हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारा जो अभी कल तक का टॉपिक चल रहा था वो करिकुलम पे चल रहा था, यानी कि पाठ्यक्रम। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में मैंने एक या दो वीडियोस और भी हमारे चैनल पर हैं, तो उसमें मैंने मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके एलिमेंट्स क्या थे, उसके मैरिट डिमेरिट्स क्या थे और उसके जो स्टेप्स थे वो क्या थे, ये सारे हम प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट इस वाली क्लास के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि टाइप ऑफ करिकुलम कितने हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक के प्रकार कितने हैं, सॉरी पाठ्यक्रम के प्रकार कितने हैं, नॉट पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक जो होती है वो कंटेंट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप ऑफ करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार। फर्स्ट है जो करिकुलम बनाया जाता है, प्रकार का मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स मतलब कितने कितने टाइप्स से, कितने कितने तरीकों से हम करिकुलम को मेंटेन कर सकते हैं, ये करिकुलम बना सकते हैं। वो चीज़ जैसे होता है ना कि आप खाना बना रहे हो, तो खाना एक सब्जी को क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। हर किसी के जो स्किल्स होंगी या तरीका होगा खाना बनाने का वो डिफरेंट होगा, तो ऐसे ही करिकुलम बनाने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ को फोकस रख के यानी कि ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में रखकर करिकुलम सेट करना है। फर्स्ट पॉइंट आता है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम यानी कि विषय प्रधान पाठ्यक्रम। ऐसा पाठ्यक्रम या ऐसा करिकुलम सेट करना है हमें जिसके अंदर सब्जेक्ट सेंटर्ड हो, मतलब जिस पे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर दिया जाए, सब्जेक्ट सेंटर यानी कि विषय प्रधान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये इसका मतलब होता है कि हर विषय पर, हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि आधा घंटे का मैथ्स का पीरियड होना चाहिए, आधे घंटे का साइंस का पीरियड होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं, अलग अलग आप जो मेथड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी किस्में आ गई आपके सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में, जहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव है, मेन फोकस है, वो सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाना है तो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या करनी है, मेथड्स क्या होने चाहिए, स्किल्स क्या होने चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, या बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको वो सब्जेक्ट सेंटर के अंदर ध्यान रखनी है पाठ्यक्रम के अंदर। ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर याद रखनी है आपको कि आप जब भी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम रेडी करेंगे तो उसके अंदर आपको इस टाइप की चीज़ें रखनी है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, और नोन टू अननोन हो, या फिर कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो। मतलब बच्चे को पहले इजी चीज़ें करवाई जाए, देन कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाया जाए। ये नहीं कि आप ऐसा करिकुलम रेडी करके दे दें बच्चों को जिसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें पहले हों, मुश्किल चीज़ें पहले पढ़ाई जा रही हैं, बाद में जाके आसान चीज़ें चीज़ों के चैप्टर आ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट चैप्टर हो गया, देन लास्ट में पूछा जा रहा है कि सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, तो वो मतलब प्लस माइनस या बोर्ड मार्क्स पूछा जा रहा है। तो उस टाइप का जो सब्जेक्ट सेंटर आपका करिकुलम होगा वो तो परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को सिंपल चीज़ें पढ़ाओगे तभी तो कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ा दोगे तो फिर पीछे सिंपल रखने का क्या यूज़ है, उसको तो बच्चे फोकस करेंगे ही नहीं इतना। ठीक है, तो इस वे में आपको सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम रेडी करना है अपना कि ये सारे रूल्स वहाँ पे अप्लाई हो, कि कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो, नोन टू अननोन हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, और बाकी चीज़ें कि प्रॉपर टाइम मेंटेन हो, एक हर एक सब्जेक्ट को अपना स्पेशल टाइम मिले, ये नहीं कि टाइम इतना ज़्यादा हौच पौच हो कि एक सब्जेक्ट को तो आप पूरा 1 घंटा दे रहे हो और एक सब्जेक्ट को केवल 15 मिनट ही दे रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी इतना सीक्वेंसली होना चाहिए कि एक एक सब्जेक्ट को प्रॉपर प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, ताकि आप एक सब्जेक्ट पे ही सब पे, ये नहीं कि एक पे ही ज़्यादा फोकस किया, सब पे प्रॉपर टाइम फोकस कर पाएँ, सबके लिए इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स, टेक्निक्स, स्किल्स, मेथड्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप का सब्जेक्ट जो बनाया जाता है वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम के अंदर बनाया जाता है।
सेकंड टाइप आ गया आपका चाइल्ड सेंटर, यानी कि बाल केंद्रित। अब बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड पर फोकस किया गया है कि आपको ऐसा करिकुलम सेट करना है जो बच्चे पे डिपेंडेंट हो पूरा, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग हो। अब बच्चे से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के एबिट्यूड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। बच्चे के लिए प्ले वे एक्टिविटीज़ या मेथड्स ऐसे चूज़ करने चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट और लेवल के अकॉर्डिंग हो। और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ उसके अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ या क्रियाएँ ऐसी करती रहें जो उनकी सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो और उनको पढ़ाई में भी हेल्प करे और उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। और चाइल्ड सेंटर्ड ऐसी करिकुलम होना चाहिए जो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस हो, कि बच्चे ने पहले सीखा फिर उसको करके भी देख रहा है। और ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को सोशलिस्ट बनाए, एडजस्टमेंट करने में हेल्पफुल हो बच्चे के। और करिकुलम ऐसा भी सेट होना चाहिए कि भी उससे बच्चे के लिए फ्यूचर तक के लिए यूजफुल हो, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर ली, क्लास पास आउट कर लिया, देन उसका कोई महत्व ना हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी चाइल्ड सेंटर करिकुलम में, जिसके अंदर बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू बना के हम सारी चीज़ें सेट करते हैं कि कोई भी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के एज के, मेंटल लेवल के, इंटरेस्ट के, एप्टीट्यूड के और टीचिंग स्किल मेथड्स, करिकुलम एक्टिविटीज़ और फ्यूचर में यूज़फुल हो, ये सारी चीज़ों को फोकस बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोर करिकुलम, यानी कि कोर पाठ्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि कोर करिकुलम क्या है। अभी भी मेरे सामने जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं या मुझसे पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा कि कोर करिकुलम या कोर पाठ्यक्रम होता क्या है। इसके अंदर क्या है, पाठ्य वस्तु या जो कंटेंट पढ़ाना है, विषय वस्तु, वो बहुत कम रखी जाती है, लेकिन इस कोर पाठ्यक्रम के अंदर यानी कि कोर करिकुलम के अंदर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें रखी जाती है जो बच्चे की शारीरिक रूप से विकास करे, मेंटल रूप से विकास करे, सामाजिक विकास करे या बच्चे का और सोशलिस्ट चीज़ों में, मतलब उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करे या इंडिविजुअली उसको आगे लाइफ में अचीव करने के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो कोर करिकुलम के अंदर जो विषय वस्तु होती है, जो कंटेंट होता है पढ़ाई का, वो थोड़ा कम होता है और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं या ऑल ओवर डेवलपमेंट पे उसके बेस्ड होती है कि बच्चा सामाजिक बने, व्यक्तिगत रूप से स्ट्रांग बने या उसका मानसिक विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास हो सके, ऐसी चीज़ें को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर, सॉरी कोर पाठ्यक्रम यानी कि को करिकुलम के अंदर रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि अनुभव केंद्रित। अनुभव केंद्रित के अंदर क्या है, बच्चे को अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मतलब करिकुलम जो भी सेट कर रहा है वो ऐसा सेट करे जिसमें उसके एक्सपीरियंसेस काम आए, टीचर के एक्सपीरियंसेस काम आए, बच्चे को क्रिएटिव बनाया जाए, बच्चे को क्रियाशील बनाया जाए, मतलब एक्टिव बनाया जाए, क्रिएटिव बनाया जाए, या उसके मूल तत्व ये होने चाहिए कि ऑल ओवर बच्चे पे डिपेंडेंट हो। मतलब जो एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम अगर हम रखेंगे तो उसमें जो हमारा मेन मोटिव है वो बच्चा ही होता है, और इस टाइप का करिकुलम सेट किया जाता है कि बच्चे के लिए एक्टिविटी बेस्ड सारी चीज़ें रखी जाएं जिससे बच्चा किसी भी चीज़ को करके एक्सपीरियंसेस गेन कर सके। अगर आप केवल चाह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ा दिया जाए और बच्चा पढ़ ले किताबी भाषा और काम ख़त्म, तो बच्चे को एक्सपीरियंस कहाँ से मिला, बच्चे ने तो सिर्फ रट लिया या समझ लिया। बच्चे को एक्सपीरियंस कब मिलेगा, अनुभव कब मिलेगा, जब वो करके सीखेगा या एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी या खुद करेगा या खोजी बनेगा, खुद डिस्कवर करेगा, खुद अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेगा, राइट। तो इसमें आगे आपके एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि अनुभव केंद्रित होना चाहिए कि बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं, कि बच्चा किसी भी चीज़ को अगर सीख रहा है ना तो वो इस वे में सीखे कि केवल अपना कंटेंट नॉलेज ना रखे, उससे उसके एक्सपीरियंसेस गेन हो, मतलब वो खुद करके सीखे या नॉलेज ले या लर्निंग बाय डूइंग हो या एक्सपीरियंसेस हो या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए जिससे बच्चा अगर कोई भी चीज़ करेगा तो उससे एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, अनुभव होगा बच्चों को, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका को रिलेटेड करिकुलम। अब को करिकुलम एक्टिविटीज क्या होती है, आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जिस पाठ्य पुस्तक के अंदर या जिस करिकुलम के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर दी जाती है जो बाकी चीजों से को रिलेटेड होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बच्चे को खेलने के लिए भेज दिया प्ले वे ग्राउंड में कि जाइए खेलिए, कि वो आपकी एक्टिविटी तो हो गई लेकिन वो को रिलेटेड करिकुलम के अंदर नहीं आएगी, वो को करिकुलम एक्टिविटी नहीं हुई। को करिकुलम एक्टिविटी कब हुई, जब वो करिकुलम यानी कि आपकी पाठ्यक्रम से संबंधित होगी। मतलब बच्चे को अगर आप खेलने के लिए भी भेज रहे हैं तो इस रूप में भेजिए कि बच्चा किसी चीज़ को लर्न करे। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटेंट है या सब्जेक्ट पढ़ाना है आपको, कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है, तो आपको उससे रिलेटेड आप उससे ऐसी एक्टिविटीज़ करवाइए जिससे आपके वो कंटेंट भी बच्चा सीख जाए और वो एक्टिविटीज़ भी कर ले। मतलब वो खेले भी और वो जो कंटेंट रिलेटेड या विषय वस्तु रिलेटेड उसको नॉलेज गेन करनी है उसको उसका भी ज्ञान हो जाए, ये नहीं कि सिर्फ खेल में ही लगा रहे। ठीक है, तो को रिलेटेड करिकुलम्स के अंदर क्या है, सभी चीज़ों को आपस में को रिलेट करके पढ़ाना है। ऐसा करिकुलम सेट करना है कि आप मैथ्स और साइंस को आपस में को रिलेट कर सके। जैसे कि मैथ्स का यूज़ आप साइंस में कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे फिजिक्स में और जो केमिस्ट्रीज में इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैथ्स का यूज़ आप साइंस में कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप एनवायरनमेंट का यूज़ सोशल स्टडी में कर सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट का साइंस का यूज़ क्या है, आप सोशल स्टडी के अंदर कर सकते हैं, वो दोनों सब्जेक्ट सिमिलर्स हो गए। तो आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करके पढ़ाया है, या आप कोई भी एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपने एक्टिविटीज़ को करिकुलम या बच्चे के कंटेंट के साथ जो है आपस में को रिलेट करके पढ़ा रहे हो। ठीक है, जिससे बच्चे की कंटेंट नॉलेज भी गेन हो रही है और बच्चा एक्टिविटी के थ्रू अपना इंटरेस्ट भी डेवलप कर रहा है। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका क्लासिकल करिकुलम यानी कि शास्त्रीय पाठ्यक्रम। शास्त्रीय पाठ्यक्रम यानी कि क्लासिकल करिकुलम अब कैसा होता है, अब आप शास्त्रीय सोच के समझ रहे होंगे कि इसके अंदर आपको डांस की नॉलेज होनी चाहिए, संगीत की नॉलेज होनी चाहिए, म्यूज़िक और डांस वगैरह की, ये सब नहीं है। इसके अंदर ये चीज़ें रखी गई हैं कि शास्त्रीय पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों की मोरल वैल्यूज़ डेवलप किए जाएं, बच्चों को एथिक नॉलेज दी जाए। मतलब आपका समाज किससे जुड़ा हुआ है, आपके मूल तत्व क्या क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, आपके रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है सोसाइटी से रिलेटेड, आपको सबका सत्कार कैसे करना है, और आपकी जो अब तक की हिस्ट्री रही है वो आपको कैसे कनेक्ट करके रखी हुई है, आपके जो हर किसी की अपनी सोसाइटी में क्या अपना कल्चर होता है और अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कल्चर के, तो बच्चे को वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके रूल्स रेगुलेशन क्या है किसी भी कल्चर के। और उसके बाद और कोई भी जैसे शास्त्र जैसे दर्शन हो गया, फिलॉसफी हो गई, या किसी चीज़ का मापन हो गया, मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, तो वो आप इस रूप में पढ़ाए कि उससे रिलेटेड बच्चों को अपनी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट आउट करने में इजी वे हो और दूसरी चीज़ें बच्चों को उसकी नॉलेज भी गेन हो जाए। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स थे हमारे करिकुलम के, कि जब भी आप करिकुलम सेट करें किसी भी स्कूल के लिए आप करिकुलम बना रहे हैं या पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो उसमें आप क्या चीज़ करेंगे, करिकुलम सेट करते टाइम आप किस किस वे में करिकुलम सेट कर सकते हैं, कि वो सब्जेक्ट सेंटर भी हो सकता है जिसके अंदर केवल आप सब्जेक्ट को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दें कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपको काम करना है। सेकंड चाइल्ड सेंटर्ड हो सकता है जिसमें आप बच्चे पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल और एज के अकॉर्डिंग कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद कोर पाठ्यक्रम हो सकता है जिसमें आप कंटेंट कम रखें लेकिन बच्चे को सोशलिस्ट बनाने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, उसका फिजिकल या इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए कोर पाठ्यक्रम का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोर करिकुलम। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सेंटर यानी कि अनुभव केंद्रित होना चाहिए, कि बच्चे को ऐसी चीज़ें ऐसा करिकुलम बच्चे का सेट किया जाए कि बच्चा एक्टिविटी करने के साथ साथ या कोई भी काम करने के साथ साथ जो है एक्सपीरियंसेस भी गेन करे। ठीक है, वहाँ पे अनुभव भी प्राप्त करे कि वो खुद करके सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेकेंड पॉइंट है
कि को रिलेटेड करिकुलम होना चाहिए, सह संबंधित आपका करिकुलम होना चाहिए पाठ्यक्रम। उसके अंदर क्या होगा कि दो तीन सब्जेक्ट्स को आप आपस में को रिलेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ जो एक्टिविटीज़ आप इन्वॉल्व कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बच्चे को सिर्फ खिलाने पर ज़्यादा फोकस किया और जो कंटेंट नॉलेज देनी थी वो तो ऐसी की ऐसी रह गई। ठीक है, लास्ट आपका आता है क्लासिकल करिकुलम, यानी कि शास्त्रीय पाठ्यक्रम, कि सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी आपके कल्चर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, उसकी नॉलेज बच्चे को देनी है कि आध्यात्मिक बनाना है, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ डेवलप्ड होनी चाहिए और बाकी चीज़ें बच्चों को सोशलिस्ट बनाना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक इसी के साथ यहीं पर फिनिश्ड होता है। अभी करिकुलम से रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स और रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। तो यहाँ पे इसको आज की क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक